कल जो एक बड़ा फैसला लिया गया मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को लेकर के, ये सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला फैसला था। आप सोचिए कि सुबह ये जानकारी मिलती है कि मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है और शाम होते होते उनका तबादला हो जाता है। सूत्रों की अगर माने, सूत्र के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, उसमें ये कहा जा रहा है कि मीरा भाईंदर में ये जो फैसला लिया गया है, इसमें पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पूर्व मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के बारे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से शिकायत की थी, उनके कामकाज को लेके शिकायत की थी। अब वो शिकायत क्या थी, किस लेवल पे थी, इसकी जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई। मनपा आयुक्त के तबादले को लेकर के या मनपा आयुक्त दिलीप ढोले पे जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता का हाथ दिखता नजर आ रहा है। अगर मैं नरेंद्र मेहता की बात करूं तो नरेंद्र मेहता के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद वो 2019 का चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद गीता जैन जी निर्दलीय के रूप में आती हैं, फिर वो शिवसेना को समर्थन देती हैं, बाद में फिर वो बीजेपी को समर्थन देती हैं, बाद में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सेना एक हो जाती है तो मिल करके काम करते हैं। ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा। अगर मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो मेट्रो के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाने वाला, मेट्रो के प्रोजेक्ट पे मेहनत करने वाले में से अगर किसी शख्स का नाम आता है तो वो नरेंद्र मेहता का आता है। नरेंद्र मेहता ने अपने कार्यकाल के दौरान, यानी 2014 से लेकर 2019 तक जो उनका कार्यकाल था, और उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, और मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, कंक्रीट रोड के लिए नरेंद्र मेहता ने जी तोड़ मेहनत की। बार बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जाकर के मुलाकात की, यहां तक के नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात की, कई ऐसे नेताओं से, बड़े नेताओं से मुलाकात की। और मुख्यमंत्री जब उस वक्त यहाँ मीरा भाईंदर के दौरे पे आते थे तो उन्होंने भी अपने कई भाषण में ये जरूर कहा था कि एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती नहीं है कि नरेंद्र मेहता दूसरा फाइल लेकर के हमारे पास पहुंच जाता है। तो नरेंद्र मेहता का अगर बात करें, नरेंद्र मेहता की, तो नरेंद्र मेहता का मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट में शुरुआती दौर पे जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है, उसको कोई भुला नहीं सकता। क्योंकि जब भी मैं किसी से मुलाकात करता हूं, मेरी बातचीत होती है, फील्ड में बातचीत होती है, तो लोग ये जरूर मानते हैं कि नरेंद्र मेहता ने कुछ चीज शहर के लिए ऐसा किया है जो बहुत बड़ी बात है। एक किसी चीज की शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भी होता है। तो ऑफ कोर्स शुरुआत अगर उन्होंने की थी, उसके बाद वो चुनाव हार गए, और चुनाव भी जो वो हारे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि ज्यादा वोट से वो चुनाव नहीं हारे थे, 8-10 हजार वोट से के आसपास था चुनाव हारने का उनका रेशियो। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी उनके खिलाफ, वो आप सबको पता है, और उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। एक चीज जो नरेंद्र मेहता के कार्यकाल में कभी यहां पे देखने को नहीं मिली मीरा भाईंदर में, जातिवाद को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी हंगामा, ये नरेंद्र मेहता के कार्यकाल में मीरा भाईंदर में नहीं दिखी। एटलीस्ट नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर में इस तरह की राजनीति नहीं की कि फूट डालो, वोट खरीदो, वोट लो, फूट डालो, आपस में एक दूसरे के रिश्ते में फूट डालो, वो उन्होंने नहीं की। जैसे कि आप पिछले 1-1.5 साल में देख रहे होंगे कि यहां जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में मतलब अजीब अजीब बयान आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और अलग अलग कास्ट, ये सब उनके कार्यकाल में नहीं था और लोग इसलिए उनको याद करते हैं। मैंने ये तक देखा है कि इसी शहर के किसी एक व्यक्ति ने नरेंद्र मेहता की पूरी जीवनी दिखाई थी कि किस तरह से वो
अपनी शुरुआत जिंदगी की करते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, और उस इंटरव्यू में उन्होंने भर भर के नरेंद्र मेहता की तारीफ की थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति को मैं देखता हूं कि नरेंद्र मेहता की बुराई करता हुआ नजर आता है, जबकि नरेंद्र मेहता उस वक्त पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे, पॉलिटिक्स में थे भी नहीं। ये क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो मीरा भाईंदर की अगर मैं बात करूं तो एक वक्त ऐसा आया था नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर की पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था, लेकिन नरेंद्र मेहता ने संन्यास लिया, सब कुछ किया, बीजेपी जिस पार्टी से वो जुड़े हुए थे, जिस पार्टी को मीरा भाईंदर में उन्होंने बड़ा किया, उस पार्टी का साथ उन्होंने किसी भी हाल में नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें पद मिला नहीं मिला, उनकी जगह पे दूसरे को खड़ा कर दिया गया, जिला अध्यक्ष किसी और को बना दिया गया, लेकिन वो हमेशा बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। उस वक्त भी जब उनके पास कोई पद नहीं था तब भी वो काम कर रहे थे। और देखिए धीरे 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 लोगों ने इस चीज को समझा कि नहीं, नरेंद्र मेहता अगर बीजेपी में एक कोई मजबूत चेहरा मीरा भाईंदर में है तो वो नरेंद्र मेहता है। और ये धीरे धीरे उनके वरिष्ठों को भी शायद समझ आया होगा। और उसके बाद फिर देखिए नरेंद्र मेहता के ही ग्रुप के जो मतलब दो टुकड़ों में बीजेपी बट गई थी, एक रवि व्यास का टुकड़ा था और एक नरेंद्र मेहता का टुकड़ा था। ऑफकोर्स नरेंद्र मेहता के टुकड़े में ज्यादा लोग थे, रवि व्यास के इसमें कम थे। रवि व्यास को जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन अचानक एक फैसला आता है, थोड़े दिन पहले ही रवि व्यास को हटा दिया जाता है और नरेंद्र मेहता समर्थक को जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद पहली बार नरेंद्र मेहता रवि व्यास एक साथ एक स्टेज पे दिखे, लेकिन वहां से गीता जैन गायब थी। अभी पहले रवि व्यास और गीता जैन साथ साथ दिखते नजर आ रहे थे, इन दिनों नहीं दिखते नजर आ रहे, पता नहीं क्यों। गीता जैन की अगर राजनीति की बात करूं मैं तो गीता जैन की राजनीति ज्यादातर विवादों में रही, कभी वो किसी पे चिल्ला रही, कभी वो किसी पे चिल्ला रही और वीडियो वायरल हो रहा है। अगर बात करें टोल नाके की तो उन्होंने कहा था, एक प्रॉमिस किया था कि अगर मैं चुन के आई तो टोल नाका हटवा दूंगा, 4 साल होने को आए अभी तक टोल नाका नहीं हटा है। और भी उनके कुछ वादे हैं, वादों में कितने पूरे हुए ये आप सबको पता होगा। मीरा भाईंदर की राजनीति का अगर चाणक्य किसी को कह सकते हैं, जिसको हर चीज की सूझबूझ समझ है कि कब कहां पे किस बटन को दबाना है, कब कहां पे क्या काम करवाना है, शहर के हित में कैसे काम करवाना है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पे कदम कैसे उठाया जाएगा, इन सब की जो राजनीतिक समझ है वो नरेंद्र मेहता में है। और ऐसा लोग मानते हैं कि हमने 2019 में गलती कर दी, दोबारा गलती नहीं करेंगे। गलती मतलब नरेंद्र मेहता को जिन लोगों ने वोट नहीं किया था, वही लोग मानते हैं कि हमने नरेंद्र मेहता को वोट ना दे करके गलती की है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसे मेरे बहुत सारे लोगों से इन पिछले 3-4 साल में बात हुई और वो लोग ऐसा मानते हैं। अब वो लोग किस वजह से ये कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लोगों ने जरूर कहा है। तो मैं फिर से कहूंगा, अगर सूत्रों की माने तो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के तबादले में नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का बड़ा हाथ माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मेहता ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से इस बात की शिकायत की थी। पूर्व मनपा आयुक्त दिलीप ढोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के करीबी होने के बावजूद उनका तबादला इस तरह से हो जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता की
पकड़ फिर से बढ़ती जा रही है, कद बढ़ता जा रहा है, लोगों का मानना तो यही है और दिखने में भी यही आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। मेरा भाई तो मेट्रो पूछ लिया है।